So hey guys, I am Abhishek and welcome back to another video of my channel Detonator Gaming. तो भाई लोग मैं आज आप लोगों से कुछ बहुत ही अच्छे चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, उसी के साथ साथ PUBG के रिगार्डिंग भी और PUBG के अनबैन होने के रिगार्डिंग भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। तो गाइज सब कुछ जानने के लिए अभी से वीडियो को पूरा आप देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट पे हर एक अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो भाई लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और गाइस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और वीडियो को आपको पसंद आता है तो ज़रूर से वीडियो का लाइक बटन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन लोगों को भी शायद इसके रिगार्डिंग मतलब कि पबजी अनबैन के रिगार्डिंग बहुत सारा मतलब कि जानने की इच्छा होगी जो कि मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो सभी को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चले कि एग्जैक्टली क्या सीन है, अभी क्या चल रहा है। और भाई मुझे कॉमेंट सेक्शन पर लिख के ज़रूर बताना है कि आप अभी तक PUBG खेल रहे हो या फिर आपने खेलना अभी छोड़ दिया है, तो वो भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। और आपकी इन्वेंट्री कैसा है PUBG मोबाइल का, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। तो गाइस लीक्स की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट लकी स्पिन जो हमारा PUBG मोबाइल में आएगा उसका यहाँ पे मैं आज लीक्स दिखाने वाला हूँ। तो गाइस मैट तमीजा यूट्यूब चैनल का पूरा क्रेडिट जाता है इस लीक्स के लिए, तो भाई उसका चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर लेना। तो ये है हमारा रैथ लॉर्ड आउटफिट जो कि नेक्स्ट लकी स्पिन में हमारा आएगा सीजन 15 आने के बाद। तो एक धांस उसा यहाँ पे आपको हैलोवीन मोड के ऊपर थीम जो होने वाला है हमारा नेक्स्ट सीजन पूरा का पूरा हैलोवीन मोड के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे ऐसा आउटफिट देख सकते हैं, बहुत ही जहर आउटफिट है ये, मिथिक आउटफिट है। और इसका हेड गियर भाई क्या ही लग रहा है, पूरा ड्रेस इसका ढांसू है पूरा। तो ऐसा है कि यहाँ पे ग्रीन कलर का और सिल्वर कलर का भाई कॉम्बिनेशन उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन ड्रेस का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे को इतना ग्रीन कलर का मतलब हरा भरा कपड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पे एक ड्रेस आप देख सकते हैं जो कि बैकपैक उसका है, ये बैकपैक भी बहुत ढांसू है, लेकिन भाई वही एक चीज़ फिर से भाई कलर मुझे पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे आप पैन का स्किन देखने के लिए मिलेगा, हर बार पता नहीं सब जगह पे पैन का स्किन क्यों दे रहे हैं ये लोग, क्या मज़ा आ रहा है इनको, इनको ही पता होगा, मेरे को तो नहीं पता। और गाइस क्या आप अभी भी यूसी परचेज कर रहे हो पबजी के लिए, तो आप ज़रूर से बताना मुझे, और कहाँ से करते हो वो भी बताना। और यहाँ पे आप डाफिया का स्किन देखो कितना गंदा सा लग रहा है, ये नेक्स्ट लकी स्पिन पे आएगा जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसका डिज़ाइन देख के ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा कार्टून का गाड़ी है, बिल्कुल भी मतलब रियलिस्टिक लग नहीं रहा, पूरा का पूरा एकदम हरा भरा गाड़ी, पता नहीं क्या बनाया इन लोगों ने। तो आपको कैसा लगा ये डाफिया की स्किन आप ज़रूर से बताइएगा, वैसे भी मुझे डाफिया का स्किन चाहिए नहीं है और बहुत सारा है। तो यहाँ पे M16 का स्किन भाई साहब एक के बाद क्या दे रहे हैं, पेन की स्किन दिया चलो मान लिया, वो भी M16 का स्किन क्यों दे रहे हो भाई लकी स्पिन में। M16 ऐसे भी भाई चलाता होगा कोई, मतलब कि कमी बंदे चलाते होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लेडी ऑफ ब्लड हेड गियर जो कि फीमेल आउटफिट होने वाला है, नाम से ही आपको ऑब्वियसली पता चल ही चुका होगा लेडी नाम है। तो इसका हेड गियर आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी है, तो प्यारी नहीं काफ़ी भयंकर है। तो यहाँ पे आप जोक सपट गाइस वैसे सीरियसली मत लेना। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है लेडी ऑफ ब्लड आउटफिट आप देख सकते हैं, इसका इमोट भी है जो कि कमाल का है ये भाई साहब, भाई मज़ा आ गया देख के। इसका ये जो पीछे से ये हिलता हुआ पार्ट जो दिख रहा है ना, बहुत ही सही है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन रेड एंड ब्लैक क्या ही लग रहा है, मतलब कि फीमेल आउटफिट्स जो भी आने वाला है गेम पे वो हर एक चीज़ अच्छा होगा, लेकिन मेल आउटफिट्स जितने भी आते हैं गेम पे उनमें कुछ ना कुछ मतलब कि ऐसा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन डालेगा जो कि पसंद नहीं आएगा ज़्यादातर लोगों को, ऐसा ही। और नेक्स्ट सीजन का जो रॉयल पास है वो तो पूरा का पूरा फीमेल के लिए ही है, हमारे लिए कुछ बच्चों मतलब कि लड़कों के लिए कुछ इज्जत रहा नहीं सीजन 15 रॉयल पास में, ज़्यादातर जो ड्रेसेस है वो सारे फीमेल है। तो बैकपैक आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी ढांसू बैकपैक है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही तगड़ा है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं आपको कैसा लगा होगा लेकिन ये मुझे कतई जहर लगा है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। तो गाइस आप यहाँ पे लीक्स का जो है वीडियो आप देखते रहो, तब तक मैं आपसे बात कर लेता हूँ PUBG अनबैन के रिगार्डिंग। तो गाइस जैसा अभी तक न्यूज़ निकल के आया, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि PUBG ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया था कि अगर इनकेस गवर्नमेंट हमारा इंडिया में नहीं मानती है, मतलब कि अगर PUBG का जो सब कुछ गवर्नमेंट के साथ अभी भी डिस्कशन चल रहा है, तो अगर नहीं मानता तो वो टेंशन के साथ भी मतलब रिश्ता तोड़ने के लिए भी तैयार हैं वो लोग। तो आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट का भी रिप्लाई आ जाए और हमारा ग्लोबल वर्जन जो है ना वही मैं होप करता हूँ कि वही वापस आए, क्योंकि भाई देखो PUBG का इंडियन वर्जन मैं मानता हूँ कि भाई बन जाएगा, टेंशन वाले हमारे लिए बना देंगे क्योंकि इंडिया का मार्केट काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट मार्केट है। तो
बना देंगे, लेकिन भाई टाइम लगेगा। इंडियन वर्जन मतलब कि बोलते ही आ गया, कल आज बोला कल आ गया, प्ले स्टोर पे ऐसा नहीं होगा, इस पे टाइम लगेगा। तो आप भी भाई प्रे करो कि ऐसा ना हो, गवर्नमेंट हमारा मान जाए, टेंसेंट को हटा दे और भाई कोई इंडिया का अच्छा खासा ब्रांड्स, इतने सारे भाई डेवलपर्स है, रिलायंस है वगैरह वगैरह, तो भाई इनके किसी के भी साथ भाई पार्टनरशिप कर ले और हमारा गेम ही मतलब जैसे वियतनाम वर्जन है पबजी मोबाइल का, वैसा एक पबजी मोबाइल आयन वर्जन आ जाए। स्पेशली भाई अलग से पबजी मोबाइल इंडिया के लिए डेवलप ना करना हो, ऐसा ही भाई मैं भी प्रे करता हूँ, आप भी प्रे करो और आशा करता हूँ ऐसा हो भी जाना चाहिए यार। क्योंकि एक पबजी कॉरपोरेशन जो है साउथ कोरिया का कंपनी है, तो उन लोगों ने भाई अगर चाइना के साथ रिश्ता तोड़ के भाई इधर सर्वर लगा के हमारा डेटा अगर बोलते हैं कि यहीं पर रखेगा, कुछ नहीं करेगा, तो मैं भी आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारा मान जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है आप ज़रूर से बताइएगा। और इधर जो है अभी आप आउटफिट देखिए, एक और अच्छा आउटफिट, ग्रेव लॉर्ड आउटफिट, जिसका ड्रेस और लुक क्या ही ढांसू है। ये भी पता नहीं लकी स्पिन में ही शायद से आ सकता है, लेकिन एक साथ मेरे को नहीं लगता तीन तीन मिथिक आएगा, तो ये शायद बाद में आएगा या फिर कोई क्रेड में आएगा, कहीं पर भी आ सकता है। तो फिलहाल मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, क्या पता हेलोविन के लिए कुछ स्पेशल क्रेड भी आ जाए, अभी कुछ बोल नहीं सकते इसके रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ पे क्या लगता है आप मुझे बताइएगा, आपको ड्रेसेस कैसा लग रहा है। ये सारे के सारे आउटफिट्स जो है सीजन 15 में हमको देखने के लिए मिलेगा, और सारे आउटफिट्स जो है थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना जो जॉम्बी टाइप का, जो हेलोविन मोड में जैसे कपड़े आते हैं, तो भूतिया टाइप के कपड़े ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी शायद से जो है क्रेड में या फिर स्पिन में आ जाएगा, आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जब आएगा तब तो मैं आपको दे ही दूंगा। और भाई फिलहाल तो मैं अभी उसी परचेस नहीं कर रहा, तो आप क्या रॉयल पास लेने वाले हो अगले सीज़न मतलब सीज़न 15 में, आप भी बताना कि आप रॉयल पास लेने वाले हो कि नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार रॉयल पास अपग्रेड ना ही करूँ, क्योंकि मेरे पास आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल कोई उसी जो है अकाउंट पर नहीं है, मैंने आपको पहले ही मेरे लॉबी में दिखा दिया था। तो ऐसा ही है अभी सीन, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा दूसरे जो मतलब कि एक और कोरियन वर्जन का अकाउंट है, उस पर अभी फिलहाल जो है रॉयल पास लेने के लिए यूसी है, मतलब जो रिटर्न आते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अपग्रेड करूँ कि ना करूँ। आप मुझे सजेशन देके बता देना कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। तो फिलहाल जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये वाली AKM का जो स्किन है जैको लंटन AKM, ये भी शायद नेक्स्ट सीजन जो है पहला हमारा अपग्रेडेबल स्किन जो आएगा उसकी ही लकी स्पिन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली 7 लेवल तक अपग्रेड होगा, और यहाँ पे जो है आप इसका पूरा रेंडर पे लुक देख सकते हैं, जो कि बहुत ही धांसू लग रहा है। और पिछले से जो मतलब कि हेलोविन मोड था पिछले साल का, उस पर स्कारल का स्किन हमको देखने के लिए मिला था, एन्चांटेड पम्पकिन स्कारल नाम था उसका। तो इस बार हमको ये AKM की स्किन देखने के लिए मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से सीजन शुरू होने के साथ साथ ही नहीं आएगा, ये सेकंड लकी स्पिन में आएगा शायद। सीजन 15 का जो सेकंड लकी स्पिन आएगा, इसका किल मैसेज, इसका किल इफेक्ट आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ओपी लगेगा। और यहाँ पे आप जो है अटैचमेंट्स को भी यहाँ पे आप अपग्रेड कर सकते हो, मतलब कि उसी से आप परचेस कर सकते हो, जिसके साथ ये जो है पूरा का पूरा आपका स्किन के साथ मैच कर जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन अभी पबजी ने फिलहाल जो है ओम की स्किन के साथ चालू किया था, जो कि अभी हर एक स्किन पे देखने के लिए मिलेगा। इसका लूट क्रेट आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही मतलब कि यूनिक टाइप का लग रहा है यहाँ पे, और देखने में काफ़ी जहर है भाई। लेकिन हाँ, ये जो अपग्रेड करने के लिए बहुत यूसी जाने वाली है, ये तो बात पक्की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको कैसा लगा ये AKM की स्किन, आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरे को तो ठीक ठाक लगा AKM का स्किन, वैसे मेरे पास AKM का एक अपग्रेडेबल है, मेरे पास वही काफ़ी है, दो दो अपग्रेडेबल लेके कुछ फ़ायदा होता नहीं है वैसे भी। और मैं तो फिलहाल अभी कुछ यूसी वगैरह स्पेंड नहीं कर रहा फिलहाल, तो आप क्या कर रहे हो आप भी बताना, क्या आप लेने वाले हो क्या AKM का स्किन, और क्या आपका अभी तक पबजी ठीक ठाक मतलब कि एकदम बिना कुछ सर्वर लोडिंग वोडिंग के चल रहा है, तो आप मुझे ज़रूर से बताना। तो मेरा तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं फिलहाल वैसे खेलता नहीं हूँ, मतलब कि मैं बस लॉगिन करके लॉबी को ही देख के छोड़ देता हूँ, मैं गेम पे नहीं जाता रंगल 2.0 पे, क्योंकि उसके लिए मैंने एक अलग से अकाउंट बनाया, खेलने का जब मन होता तो दूसरे अकाउंट से खेल लेता हूँ, मेन अकाउंट से नहीं खेलता अभी। तो कॉल ऑफ द वाइल्ड M416 का स्किन, ये भी हमारा 7 लेवल तक अपग्रेड होगा। तो ये भी ये जो है पहला लकी स्पिन जो है सीजन में, वो शायद M4 का ही हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही ढांसू लुक है इसका। तो M4 का स्किन तो वैसे मेरे पास तीन M4 है, द फुल M4, लिजेड्रोर M4 और ग्लेशियर M4 आपको मैंने दिखाया था, मेरा जब इन्वेंट्री का वीडियो आपको दिखाया था मैंने। तो ये भी मेरे लिए कुछ काम का नहीं है, मेरे लिए M4 और AKM कुछ काम का नहीं है। बैरल का अगर कुछ स्किन वगैरह आता है तो मेरे लिए कुछ काम का हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जो बैरल का स्किन है वो पिचकारी जैसा मुझे अच्छा नहीं लगता उसका। तो एक ही है बैरल का फिलहाल हमारा अपग्रेडेबल स्किन पूरे पबजी मोबाइल में, तो क्या पता हमको फ्यूचर में देखने के लिए और मिल जाएगा। और एक का तो लीक अभी तक आगे रखा ही है। तो यहाँ पे M4 का पूरा देख लीजिए लूट क्रेट ऐसा लगेगा,
तो आपको कैसे लगा आप जरूर से बताना। M4 का ये नया M4 का अपग्रेडेबल स्किन जो कि है कॉल ऑफ द वाइल्ड M416, तो सही है यार, वैसे ये लोग भाई लाता रहेगा, ये एक दो चीज़ों से मतलब कि खुश नहीं रहेगा ये भाई, फ्यूचर में और भी ऐसे M4 और AKM लाता ही रहेगा, तो मेरे को कुछ काम का वैसा लगता नहीं है। अपग्रेडेबल स्किन्स एक हो भाई इन्वेंटरी में वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ काम का होता नहीं है, क्योंकि आप एक बारी में एक ही यूज़ कर सकते हो, तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ भाई। तो सीन कुछ ऐसा है, आप यहाँ पे देख सकते हो अटैचमेंट्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे जो है स्किन के अकॉर्डिंग जो है परचेज़ कर सकते हो अलग से, जिससे पूरा का पूरा स्कोप अटैचमेंट्स लगाने के बाद भी स्किन का लुक आपका बरकरार रहेगा, तो भाई ये सही है, जो भाई उसी मतलब कि स्पेंड करना चाहता है इसके लिए वो कर सकता है, अगर आप इसको एक एक्स्ट्रा एडिशन मतलब कि लेना चाहते हो तो। यहाँ पे जो है ऐसा ही कुछ M416 का स्किन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैं आपको पूरा मतलब गेम के अंदर आपको कैसा लगेगा वो भी फ़िलहाल मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो आप वैसे अभी फ़िलहाल बताइए कि PUBG मोबाइल का जो अनबैन का सीन है, अभी आप तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लिए होंगे, मतलब कि आपको तो आप तो सर्च कर ही लिए होंगे, तो आपको क्या लगता है मतलब कि आपको कौन सा चीज़ अच्छा लगता है, कि हमारा ग्लोबल वापस है या फिर हमारे लिए स्पेशल अलग से वर्सन बने। तो मेरे को तो मैं बता देता हूँ अपना, मुझे चाहिए भाई ग्लोबल ही अच्छा है, ग्लोबल वापस है और भाई कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और ग्लोबल हमारा वापस आ जाए, यही मतलब कि सबसे बेहतर ऑप्शन होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे आप AKM देख सकते हो, इन गेम ऐसा कुछ लगेगा देखने के लिए जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसका भी लीक्स का जो क्रेडिट्स है वो भाई मैट तमीजा को ही जाता है, उसने भाई इतना मेहनत करके जो है गेम प्ले बनाया है हमारे लिए। तो देख सकते हो आप इन गेम FPP मोड में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा, तो ठीक ठाक है भाई, गेम पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट भी जल रहा है इस पे, मैंने उतना भी नोटिस नहीं किया था जब लॉबी में दिख रहा था, यहाँ पे आप देख लो इस पे लाइट जल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, ऐसा ख़राब नहीं है बिल्कुल भी भाई। AKM पे लाइट भी जल रही है और भाई ओ भाई वैसे ही है यार, AKM का स्किन तो भाई जहर लग रहा है भाई गेम प्ले के अंदर, ऐसा AKM का आयरन साइड मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा आयरन साइड इस पे दिख रहा है, तो सही है। और वैसे जो है इसका शायद कोई ऑन इट इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इस पे जो है लाइट वगैरह जलेगा, तो भाई देखने में लिए देखने को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आपको कैसा लगा AKM का ये स्किन आप मुझे ज़रूर से बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये इन गेम, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब आगे देखना पड़ेगा कि क्या होता है, तो फिलहाल कुछ आइडिया मुझे नहीं है। M4 का स्किन आप देख सकते हो, M4 का स्किन भी कुछ ऐसा दिखेगा आपको, तो M4 भाई आयरन साइड उतना भी कुछ मुझे खास नहीं लगा सच बताऊँ तो, बस ऐसा ही नॉर्मल लग रहा है मुझे आप देख सकते हो, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का है, कोई डिटेलिंग वगैरह है नहीं, इससे अच्छा मेरा फुल M4 का और लिजर्ड का जो आयरन साइट है दोनों मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ग्लेशियर का उतना अच्छा नहीं लगता, तो इसका आयरन साइट ठीक ठाक है और इस पर कुछ लाइट वगैरह है नहीं, इस पर बस एक नॉर्मल सा स्किन है, तो AKM का स्किन मुझे अच्छा लगा। आपको कौन सा स्किन AKM या M4 आपको कौन सा अच्छा लगा, और आप कौन सा वेपन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो वो मुझे ज़रूर से बताना, और आपका हाँ भाई PUBG मोबाइल में आप कौन सी वेपन का कॉम्बो यूज़ करते हो, आपका कॉम्बो क्या है मुझे ज़रूर से बताइएगा। मेरा कॉम्बो है भाई AKM प्लस M4 और बैरल प्लस M4, तो आपका जो है आप बता देना, मेरा मैंने बता दिया भाई M7 प्लस M4 और AKM प्लस M4, दोनों में से कोई भी चला लेता हूँ, जब जो मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, 7 का गन और 5 का गन होने से ही काम चल जाता है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ कि आपको शुरू से लेके ख़त्म तक का पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और भाई अगर अभी तक वीडियो आप देख लिए हो तो भाई एक आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा और भाई अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि भाई उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल जाए। और भाई अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो भाई प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन मिलेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन फ्यूचर में हमेशा मिलता रहे सबसे पहले। तो भाई चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए भाई दिल से बहुत ही शुक्रिया, और भाई अगर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट कर दो भाई, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर नहीं मतलब कि भाई थोड़ा सा भी पसंद आया तो भाई प्लीज़ कर देना, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, प्लीज़ कर देना भाई सब्सक्राइब। तो भाई आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। I'm so high.